मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने श्रावणी मेला को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, मेले की रूपरेखा, रूट चार्ट और तैयारियों पर की बात। शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आगामी श्रावणी मेला को लेकर जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में इस वर्ष के श्रावणी मेला की रूपरेखा, रूट प्लान और तैयारियों पर खास चर्चा की गई। इस बैठक में बाबा गरीबनाथ के प्रधान पुजारी विनय पाठक, वार्ड पार्षद केपी पप्पू, संजय केजरीवाल, पूर्व SDM ज्ञान प्रकाश, नगर DSP राघव दयाल, नगर थानाध्यक्ष श्रीराम सिंह आदि लोग उपस्थित थे। श्रावणी मेले को लेकर आज सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक की गई, जिसमें सभी प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने बैठक की और फीडबैक्स दिए हैं। और चूंकि इस बार अधिक मास से मलमास जिसे कहते हैं, तो लगभग 8-8 सोमवारी पड़ेगी, उसको लेकर के व्यापक तैयारी और इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग, CCTV और श्रद्धालु कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, उन्हें हर एक प्रकार की सुविधा दी जा सके, उनके आवासन की दिक्कत न हो, उनके मार्ग में दिक्कत न हो, इसको लेकर के सभी विभागों को सजग और सचेत किया गया है कि वो बेहतर कार्य करें। और हम लोग लगातार इसका निरीक्षण और प्रयक्षण करते रहेंगे ताकि सभी व्यवस्थाओं को ससमय सुनिश्चित किया जा सके। जी, रूट में कोई परिवर्तन? देखिए, रूट में परिवर्तन किया जा रहा है और पिछली बार भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया था, जिसका एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है। और रूट परिवर्तन के लिए SDO, DTO और DSP और जो ट्रैफिक DSP उनकी टीम बनाई गई है और ससमय सभी लोगों को रूट के बारे में जानकारी भी दे रही है। अर्घा भी लगा रहेगा? देखिए, उसका हम लोग, उसके लिए भी टीम हम लोगों ने बनाया है और टीम जा करके उसका मुआयना करेगी, कितना आगे तक हम लोग जाने का मार्ग दे सकते हैं, उसके हिसाब से पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इन दोनों विषयों पर पूरा ध्यान देते हुए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। देखिए, ऐसे अभी तक का जो हमारा अनुभव और जो हमारा परिवार का अनुभव रहा है, वो लगभग 2 सुमारी शुरू का और 2 सुमारी अंतिम का होता है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और उमंगता बढ़ती जा रही है। तो हम लोग 8 सोमवारी का जिला प्रशासन के साथ जो मीटिंग हो रही है, 8 सोमवारी को हमारी पूर्ण तैयारी रहेगी, लेकिन विशेषता 2 शुरू और 2 अंतिम और 8 को पूर्णता व्यवस्था रहेगी, इसमें कहीं दुमत नहीं है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन तत्पर होकर 8 सोमवारी की सारी कंवरियों का व्यवस्था करेंगे। अर्घा 8 सोमवारी में लगा रहेगा, क्योंकि 8 सोमवारी भीड़ तो देखिए 2 सोमवारी को तो निश्चित रूप से है, उसके बाकी भीड़ के ऊपर है। अगर भीड़ कम होगा तो अर्घा की कोई दिक्कत नहीं है, बाईपास भी किया जाता है। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो अर्घा के माध्यम से ही पूजा होगा। रूट को लेकर के भी कुछ चर्चा वगैरह? रूट वही रहेगा, रूट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कांवड़ियों के लिए तो चर्चा की जाती है, जो लोकल श्रद्धालु पहुंचकर भीड़ बढ़ाते हैं, उनसे तो मैं बार बार आग्रह करता हूं, जो कांवड़ियों की भीड़ सुबह 8 बजे तक रहती है, आप 8 बजे के बाद आएँ। दिन भर बाबा के मंदिर खुला रहता है, बाबा का पट बंद कभी बंद होता नहीं है। और गहना, विशेष पैसा, पर्स और मोबाइल की सुरक्षा करते हुए अब मंदिर में आएँ, ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं चोर भी भगवान के भरोसे आता है और आप भी भगवान के भरोसे आते हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से अलग से क्या व्यवस्था रहेगी? सारी व्यवस्था जो हर साल जो हमारी बैरिकेडिंग होती है, हमारी बिजली होती है, हमारे संघ सेवक होते हैं, हमारी जो सारी व्यवस्थाएं होती है वो सारी चीज़ रहेगी। इस बार कितनी संख्या में संचालक? अभी लगभग 1800 की लिस्ट आ चुका है मेरे पास, उसके बाद अभी आ रहा है, आजकल में और भी आ जाएगा। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।